असलकुम दोस्तों क्या हाल है आपके दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन हमारे तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके रिश्ते परसों जो है तय हुए थे तो इसके बाद जो है आज के रिश्ते की तरफ हम बढ़ते हैं लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको जो है बता दूँ कि अगर दोस्तों हमारा नाम लेकर कोई भी इंसान आपसे पैसे मांगता है रिश्ता करवाने का फ़ोन पर तो बिल्कुल भी उसको पैसे ना दें उसकी बातों में ना आएं क्योंकि हम किसी से फ़ोन पर कोई पैसों की डिमांड नहीं करते जो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं हमारा नाम लेकर रिश्ता करवाने के वो बिल्कुल फ़्रॉड हैं क्योंकि हम जब भी आपको जो है आपसे राबता करते हैं आपको हम अपने ऑफिस में बुलाते हैं उसके बाद लड़की वालों से मिलवाते हैं अगर आपकी बात बन जाए तो उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है तो अब चलते हैं रिश्ते की तरफ दोस्तों आज का जो रिश्ता है ये जो ख़ातून है ये एक नर्स है और एक जो है तलाक इनकी हो चुकी है अंदलीब इनका नाम है और ये इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स हैं उमर जो है इनकी वो इस वक्त चवालीस साल है और ये तलाक़ याफ्ता है तालीम जो है एफ ए है और इस वक्त जो है मंथली तकरीबन ये चालीस से पैंतालीस हज़ार कमा लेती हैं तो इनकी एक बेटी एक बेटा दो बच्चे हैं दोनों इनके साथ ही रहते हैं और ये इस वक्त लाहौर सिटी में रहती हैं अपना जो है किराए का इनका घर है तो इसके अलावा जो है मुसलमान है फिर सुन्नी है इनकी जो कास्ट है ये आराम फैमिली से हैं देखने में ख़ूबसूरत हैं अच्छी फैमिली से हैं तीन बहनें हैं ये दो इनके भाई हैं तमाम अपने अपने घरों के हैं शादीशुदा हैं वालदे का इंतकाल हो गया है तो अभी जो है ये अंदलीब भी, भी चाहती हैं दोबारा से शादी करना तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 54 फोर ईयर्स तक हो यानी कि चौवन साल तक हो यानी कि चौवन साल से ज़्यादा ना हो और चाहते हो शादी करना पहली दूसरी या तीसरी लड़का जो है पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो जात बरदरी कोई भी हो देखने में जो है ठीक हो इसके अलावा अच्छी फैमिली से हो शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हो तो अगर इस फैमिली से मिलना चाहता हो इस खातून से शादी के बहुत बात करना चाहता हो तो आप जो है ब्राह्म मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसी के साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें कोशिश किया करें कि अपने शहर का नाम अपनी उम्र और अपना मोबाइल नंबर ये तीन चीज़ें लाजमी लिखा करें ताकि हमें आपसे रहा करने में आसानी हो तो दोस्तों इसी के साथ हमें दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़